तो जो मेरा बेटा है तो वो जब चलना सीखेगा, सीख रहा था या कोई भी छोटा बच्चा, तो पहले गिरता है आदमी। तो आप मान के चलिए कि जब आप तैयारी स्टार्ट करेंगे तो शुरुआती 15 दिन इस 60 दिन में बहुत टफ होने वाला है। उस 15 दिन का अगर हर्डल आप पार कर लेते हैं तो अगला 15 दिन आपका आसान होगा और उसका अगला 15 दिन और आसान होगा और लास्ट का 15 दिन सबसे आसान होगा। ये दिमाग में बैठा लीजिए, शुरुआत किसी भी काम का शुरुआत सबसे टफ होता है। हाँ, रिकॉर्डेड क्लास रहेगा पंकज जी, रिकॉर्डेड क्लास ही आपका कम से कम 7-8 महीने तक आपके रिकॉर्डेड क्लास आपके पास एक्सेस रहेगा, आप आराम से जब मन तब देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि लाइव का दोबारा ऑप्शन नहीं होगा आपको, ठीक है, उसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहिए। तो शुरू के 15 दिन हम लोग को हिम्मत नहीं होता है कि जब कोई भी कड़वा दवाई पीते हैं तो आदमी हिम्मत करके सोचता है कि कैसे भी पी लूं इससे तबीयत ठीक होगी। तो 15 दिन सरेंडर नहीं करना है, 15 दिन के बाद 16वें दिन भी अगर ये फीलिंग आ रही है तो आप सरेंडर कर सकते हैं, लेकिन शुरुआती 15 दिन आप मुझसे कमिटमेंट कीजिए कि शुरुआती 15 दिन बोरियत लगे, कुछ भी लगे, इसको कड़वा घूंट पी के सीखना है हमें, करना है, ठीक है। पहला कमिटमेंट ये है कि शुरुआती 15 दिन में इसमें इंटरेस्ट नहीं खोजना है। कोई भी काम आप पहली बार करने जाते हैं तो आपको परेशानी होती है, कोई भी चीज, आप किसी नए शहर में जाते हैं तो जाते ही क्या आप कंफर्टेबल हो जाते हैं कि कहाँ पे ग्रोसरी शॉप है, कहाँ पे सैलून है, कहाँ पे कपड़े की दुकान है, पता चल जाता है। नहीं, आपको बहुत परेशानी होती है। आप, मेरी ट्रांसफरेबल जॉब है, जब भी ट्रांसफर होता है नए घर में आते तो हमें लगता है यार पुराना वाला घर ज़्यादा अच्छा था, इसमें ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, और रहते रहते क्या होता है यही घर अच्छा लगने लगता है। तो कोई भी नया चीज़ हमारा बॉडी, हमारा दिमाग एक्सेप्ट नहीं करता है, इसके लिए आप प्रिपेयर रहिएगा, ठीक है। पहला कमिटमेंट दीजिए कि 15 दिन तक आप बिल्कुल इसको क्या कहते हैं कड़वा घूंट पी के करिएगा, ठीक है। दूसरा कमिटमेंट कंसिस्टेंसी रखनी है। कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज अचीव करने के लिए, क्योंकि मैंने बहुत दिन तक धक्के खाए हैं, कई एग्जाम की तैयारी किया है, ठीक है, और उसके बाद जब मुझे सफल हुआ तो मुझे यही समझ में आया कि कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप आज क्या करेंगे, आप 10 घंटे पढ़ेंगे, 8 घंटे पढ़ेंगे, कल 8 घंटे पढ़ेंगे, परसों बिल्कुल किताब नहीं छुएंगे, ये नहीं करना है, ठीक है। चाहे आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, कुछ भी आ जाए, हमें कम से कम 4-5 घंटे पढ़ना है, ठीक, मिनिमम 5 घंटे मान के चलिए। जो लोग जॉब में हैं उनके लिए 5 घंटे संभव है, मैं बताऊंगा कैसे संभव है, और जो लोग जॉब में नहीं है उनके लिए भी आराम से संभव है, ठीक है। कंसिस्टेंसी रखनी है। कंसिस्टेंसी अगर आप नहीं रखिएगा तो आप जीवन में कुछ भी अचीव नहीं कर सकते। ये तो छोटा सा SDM एक पोस्ट है, जैसे मैं किताब ही लिख रहा था तो उसमें शुरुआत में मैं सफल नहीं हो पाया। क्यों नहीं सफल हुआ कि किसी दिन जोश में आके 3 घंटे लिख दिया, अगले दिन 2-3 छोड़ दिया। जब आप कोई चीज़ एक दिन छोड़ देते हैं ना तो वो आपका मोमेंटम टूट जाता है, वो मोमेंटम नहीं टूटने देना है। कुछ भी मन नहीं हो, बिल्कुल बेचैनी लग रहा हो, लेकिन तब भी आप वीडियो खोल के देख लीजिए किसी क्लास के टीचर का, ठीक है। कमिटमेंट ये है। दूसरा कमिटमेंट है कि हमें कंसिस्टेंट रहना है, रेगुलर रहना है, ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए। पहला है 15 दिन तक कोई मजा नहीं ढूंढना है, क्या मजा नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, चलो अब हो गया, बहुत हो गया, जहां जॉब में है वहीं ठीक है, वहीं प्रमोशन मिल जाएगा, शेयर मार्केट कर लेते हैं, ये सब मेरे साथ गुजरा हुआ है इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि शेयर मार्केट कर लेते हैं, यहाँ कर लेते हैं, वो कर लेंगे, ट्यूशन पढ़ा के जीवन काट लेंगे, कब तक पढ़ाई करेंगे, उम्र होती है पढ़ाई करने की, सब बहुत सारे ख्याल आएंगे जो मुझे आ चुके हैं, तो मैं आपको आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। दूसरा है आपको ये रहना। तीसरा है कि देखिए डेली 2 क्लासेस चलेंगे, मैं अभी क्लास का शेड्यूल आपको दिखाऊंगा किस दिन क्या क्लास चलेगी, शायद मृत्युंजय सर ने दिखा होगा, मैं आपको रिपीट कर दूंगा एक बार, ठीक है। तो हाँ प्रिया जी, बहुत अच्छी बात है आप कर रही हैं, तो और आप डेफिनेटली 500 क्वेश्चन वाला डेली कीजिए। मैं 500 क्वेश्चन वाला आज नहीं बताऊंगा क्योंकि ये नया बैच है, मैं कुछ दिनों बाद वो कमिटमेंट लूंगा, क्योंकि फर्स्ट नहीं बहुत सारा चीज ले लूंगा कमिटमेंट, तो आपको आज नहीं हेडेक लगने लगेगा, ठीक है। तीसरा चीज, डेली 2 क्लासेस चलेंगी, एक क्लास 1 घंटा 1.25 घंटा का होगा, तो 2 घंटा का आपको क्लास देखना है। जिसके पास जॉब है वो लोग स्पीड तेज करके देख लीजिएगा, तो आपको 1 घंटे एक क्लास आपको 40 मिनट में खत्म हो जाएगा, ठीक। तो दोनों क्लास आपको देखना है, कोशिश कीजिएगा उस 24 घंटे में देख लीजिए। क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये एक फीडबैक है स्टूडेंट्स का कि अगर आप आज का क्लास छोड़िएगा तो कल आपके पास 4 क्लास हो जाएगा, परसों आपके पास 6 क्लास हो जाएगा, और 6 क्लास हो जाएगा तो आपको लगेगा इतना सारा हो गया क्लास, अब कैसे देखें, ये है वो है करके आप डिस्कनेक्ट हो जाइएगा, ठीक है। तो आपको डेली का 2 क्लास होगा, दोनों क्लास का वीडियो आपको देखना है, लाइव नहीं देख सकते हैं, 24 घंटे में कभी भी देख लीजिए। वॉशरूम जा रहे हैं, वॉशरूम में बैठ के 15 मिनट देख लिया आपने,
वॉशरूम से निकले, खाना खा रहे सामने लगा के, एक छोटा सा मोबाइल का स्टैंड आता है, उसमें मोबाइल ऐसे रहता है सामने, मोबाइल रख के आराम से आप देख लीजिए, ठीक है। तो डेली आपको क्लास देखना है, क्लास के बाद आपको होमवर्क दिया जाएगा, अभी शुरुआती दो क्लास में नहीं दिया जाएगा क्योंकि बेसिक होता है, उसके बाद से आपको डेली 10 क्वेश्चन का होमवर्क दिया जाएगा। उस होमवर्क को जरूर कीजिएगा, उस होमवर्क को जो लोग जॉब में है ऑफिस में लेते जाइए, ऑफिस में ले जाके आपको उसमें चार ऑप्शन रहेंगे, 1 का A, 2 का B, 3 का C लिखना है, 4 का D लिखना है, पॉकेट में कागज रखिए, देख के निकाल लीजिए, लिख लीजिए, ठीक है, समझ में आ गया। जो क्लासेस देखना है, क्लासेस के बाद होमवर्क करना है, ठीक। तो अभी शुरुआती दिन मैं आपसे सिर्फ 3 कमिटमेंट ले रहा हूं, 15 दिन तक आपको कैसे भी हिम्मत नहीं हारना है, लगे रहना है, कुछ भी हो, मजा नहीं आए, बोरियत हो, तब भी आप देखिएगा कि मैंने राहुल सर से प्रॉमिस किया है 15 दिन तक मैं क्लास से जुड़ा रहूंगा, पहली चीज। दूसरी चीज कि डेली 24 लाइव नहीं देख सकते हैं, आपका जॉब है, ये है, कुछ भी है, जो लोग मैरिड हैं, घर में बच्चों को देखना होता है, तो रिकॉर्डेड जरूर क्लास देख लीजिएगा, ठीक। और उसके बाद जो होमवर्क दिया जाता है उस होमवर्क को कीजिएगा। ये हम लोग शुरुआती 15 दिन के लिए कर रहे हैं, और मैं कोशिश करूंगा कि डेली आपसे 10-15 मिनट के लिए लाइव इंटरेक्ट करूं, ठीक है। 2-3 क्लास के बाद मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दूंगा, जिससे कि हम लोग कनेक्टेड रहेंगे। उससे फायदा ये होगा कि उस व्हाट्सएप पे जब आप मैसेज कीजिएगा तो वो मैं इमीडिएट आपको मैसेज देखता हूँ और रिप्लाई करता हूँ, वो आपको Day 1 को नहीं देता हूँ, क्योंकि Day 1 को बहुत सारे लोग नंबर ले लेते हैं, क्लास छोड़ देते हैं, जोश खत्म हो जाता है, और फिर मुझे वो फोन और मैसेज करते हैं कि सर मजा नहीं आ रहा है पढ़ने में। देखिए कोई भी, इसलिए मजा तब आएगा आपको साइकिल चलाने में, आप खुद दिमाग पे जोर डालिए। जिनको साइकिल चलाना आता है, जिनको कार चलाना आता है, जिसको फर्स्ट डे कार चलाने में मजा आ रहा था क्या, वो क्लच और एक्सीलेटर का कॉम्बिनेशन ही लगा कि यार ये तो इतना बड़ा हेडेक है। जब मैंने सीखा था तो वो क्लच एक्सीलेटर का कॉम्बिनेशन ही मुझे लगा कि भाई कार कैसे चलाऊंगा मैं, क्लच एक्सीलेटर का कॉम्बिनेशन नहीं समझ में आ रहा है, खुड़ुक खुड़ुक करके गाड़ी बंद हो जाती थी। और आज ये कंडीशन है कि मुझे पता भी नहीं चलता कि क्लच कब दबाना है, एक्सीलेटर कब दबाना है, गियर कब चेंज करना है, ठीक है। हाँ प्रिया जी, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जीवन में अक्सर मैं कहता हूं कि असफलता बहुत, क्या कहते हैं, असफलता का अपना वजन नहीं होता है। मैं कई वीडियो में बता चुका हूं कि असफलता बिल्कुल वही चीज होता है जैसे हाथ में आप रुई लेके ऐसे खड़े हैं, रुई का वजन नहीं होता है, कितने देर तक आप उसको कैरी कर रहे हैं उसका वजन होता है। वैसे ही असफलता का अपना वजन नहीं होता है, आप उसको कब तक कैरी कर रहे हैं वो वजन होता है। शुरुआती दौर में जब मेरा कोई भी एग्जाम नहीं निकल रहा था, मैं प्राइवेट जॉब में चला गया था, मुझे बहुत अंतर नहीं लगा, लेकिन जब शादी हो गई, पहला बच्चा होने वाला, तब मुझे समझ में आने लगा कि हर चीज के लिए आदमी को ना जीवन में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा था। देखिए मोस्टली क्वेश्चन 7-10 क्वेश्चन दिए जाएंगे डेली, और मेंस का एक क्वेश्चन दिया जाता था, लेकिन अभी उसको बंद कर रहे हैं क्योंकि पीटी ओरिएंटेड हम लोग फोकस कर रहे हैं अभी। तो वो आपको 7-8 क्वेश्चन तो रहेंगे जो पढ़ाए गए, 1-2 क्वेश्चन फालतू रहते हैं कि आप थोड़ा सा अपना दिमाग का ब्रेन स्टॉर्मिंग कीजिए, ठीक है। 6-9 का इंटरव्यू है शेखर जी, तो आप मुझे टेलीग्राम पे कीजिए, मैं 6-9 के लिए पर्सनली आपसे बात करूंगा, क्योंकि देखिए इंटरव्यू में मेरे 120 में से 102 नंबर आए थे, वन ऑफ द हाईएस्ट नंबर आए थे। तो इंटरव्यू में कैसे अपने आप को प्रेजेंट करना है, कैसे अपने निगेटिव आंसर्स को ठीक करना है, वो सब आप सीख सकते हैं, ठीक है। जरूर गौरव जी, मैं अपने तैयारी के दिनों में, जब शुरुआती तैयारी में ही मैंने ये स्टोरी सुना था कि आप क्यों भाग रहे हैं, चीता और हिरन वाली स्टोरी है, वो मेरे दिमाग में इतना ज़्यादा इम्पैक्ट किया उस स्टोरी ने, तब मुझे समझ में आया कि मैं असफल क्यों हूँ, क्योंकि मैं भाग जो रहा हूँ, मैं शायद सबको स्टोरी पता होगी, मैं कई बार सुना चुका हूँ, लेकिन एक बार फिर से जल्दी सुना देता हूँ। मुकेश जी अभी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ी है, बिल्कुल न्यूज़पेपर नहीं पढ़ी है, अब समय नहीं है, हम लोग 60 दिन के मिशन मोड में हैं, और 60 दिन का जो मिशन मोड है इसमें हम लोग कहीं भी डाइवर्ट नहीं होंगे, ठीक है। वो कहानी ये है कि एक चीता और हिरन होता है, चीता की जो दौड़ने की स्पीड होती है 120 किलोमीटर प्रति आवर होती है, और हिरन की जो दौड़ने की स्पीड होती है वो 40 किलोमीटर प्रति घंटे होती है। तो अगर फिजिकली देखेंगे तो हिरन से चीता 3 गुना तेज दौड़ता है, लेकिन जब चीता हिरन के पीछे दौड़ता है तो वो हिरन अपनी शारीरिक क्षमता को तोड़ते हुए चीता से तेज दौड़कर अपनी जान को बचा लेता है। कारण यह है कि जो चीता दौड़ रहा होता है वो नाश्ता करने के लिए दौड़ रहा होता है, और जो हिरन दौड़ रहा होता है वो अपनी जान बचाने के लिए दौड़ रहा होता है।
तो आप क्यों दौड़ रहे हैं वो मैटर करता है। अगर आप जान बचाने के लिए दौड़ रहे हैं तो आप पूरी मेहनत करिएगा, पूरा एफर्ट लगाइएगा, बिल्कुल आप ये नहीं समझ सोचिएगा कि कुछ छोड़ दूं। ये 60 दिन में भी किस्मत बदली जा सकती है, आप एक मिसाल बनिएगा, लेकिन उसमें है कि 60 दिन में फिर आपको काम चोरी नहीं करनी है। 60 दिन में फिर आपको ये नहीं कहना है कि यार 4-5 दिन बर्बाद कर दिया, कुछ दिन यहां चला गया, कुछ दिन वहां चला गया, नहीं। अब बस आपको जैसे अर्जुन को मछली की आंख दिख रही थी, आपको भी आपका लक्ष्य दिखना चाहिए और कुछ नहीं दिखना चाहिए। इतनी मेहनत एक बार करके देखिए, खुद ब खुद कॉन्फिडेंस आ जाएगा। जिस दिन मैं पीटी का एग्जाम देने जा रहा था, मुझे इतना कॉन्फिडेंस था कि मैं कई दिन 4-4 घंटे ही रात में सोया हूं, तो मेरा वो कैसे नहीं होगा, वो आपके अंदर से जवाब आने लगेगा। जरूर प्रिया जी, गोकी बताएं, मुझे इस मैं शुरू में ये चैनल नहीं बनाया था, चलिए आपसे थोड़ी सी और बातें कर लेता हूं। शुरू में मैंने ये चैनल नहीं बनाया था, मैं जब मेरा सिलेक्शन हुआ तब मुझे रियलाइज हुआ कि अगर मैंने उस दिन ये डिसीजन नहीं लिया रहा था, छोटा सा डिसीजन नहीं लिया रहा था कि तैयारी करूं, तो मैं आज भी उस गुमनामी के रास्ते में हर चीज कॉम्प्रोमाइज करते हुए रोज रात को टेंशन से, फ्रस्ट्रेशन से जी रहा होता। लेकिन एक डिसीजन ने मेरा जीवन बदल दिया, और वो डिसीजन यही था कि मैं 34 साल की उम्र में तैयारी में उतर रहा हूं। मैं जनरल कैटेगरी का हूं, 34 साल में मैरिड था, फर्स्ट मेरा बेबी होने वाला था, और उस समय मैंने डिसीजन लिया कि नहीं, मुझे तैयारी करना है। और मैंने यही सोचा कि ये लास्ट अटेम्प्ट है मेरे जीवन का, और ऑब्वियसली एक लास्ट अटेम्प्ट ही था जनरल कैटेगरी के लिए। अगर अभी नहीं हुआ तो कभी नहीं हुआ, तो मैंने सोचा कि नहीं, अब कोई भी ऐसा चीज नहीं छोड़ूंगा कि दोबारा ये कहना पड़े काश थोड़ा सा और पढ़ लिया होता, काश उस दिन समय नहीं बर्बाद किया होता, मुझे काश वर्ड अपने जीवन से निकालना था। और जब आप इस कदर तैयारी में डूब जाइएगा ना, तो सफलता जरूर मिल जाएगा। दोबारा आपके साथ कितनी भी परेशानी हो, उस परेशानी में भी आपको जो समय मिल रहा है उसमें पढ़िए। ऊपर वाला के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं है, वो क्योंकि मैं तब से ऊपर वाले का बहुत फैन हो गया हूँ। उसके पहले भी मेरी भगवान में आस्था थी, लेकिन इतनी आस्था नहीं थी जितना सिलेक्शन होने के बाद हो गया। मुझे लगा कि नहीं, लोग जो कहते हैं कि मेहनत बर्बाद नहीं होता है, आप ईमानदारी से एक और मेहनत करके देखिए, जरूर सफलता मिलेगी। राहुल जी, आपका भी 34 उम्र है और सेम नेम है, और नहीं, आप कहीं से हैंडीकैप नहीं है, आदमी अपनी सोच से हैंडीकैप होता है, आप कहीं से नहीं है, आप बहुत अच्छा करेंगे। मैं आप सबको अपना टेलीग्राम का और सॉरी व्हाट्सएप का नंबर दूंगा, जिस पर आप मुझसे बात कर सकते हैं। आप एक बार मुझे टेलीग्राम कीजिएगा, मैं कॉल करूंगा, और जितने भी लोग जुड़े हुए हैं मैं सबसे बात करूंगा। डेली तो नहीं कर सकता हूं, लेकिन अल्टरनेट डे मैं सबको एक एक बार फ़ोन करूंगा कि ये हौसला आपका ना कभी कम नहीं होना चाहिए। ये जो जीतने की जो वो है ना, वो कम नहीं, वो आपका झील कम नहीं होना जीवन में। वो जिस दिन आपका आपके अंदर का इंसान मर गया ना, वो फिर आप कुछ नहीं बचा है। फिर आपको बस नहीं होता है कि आदमी मर जाता है 25-30 की उम्र में, दफनाया जाता है उसको 80-85 की उम्र में, वो हो जाता है, वो नहीं, अपने अंदर का इंसान को नहीं बनने देना है। बड़ी अच्छी लाइन है कि सभी को छोड़कर खुद पे भरोसा कर लिया मैंने, वो मैं जो मुझ में मरने को था उसे जिंदा कर लिया मैंने। अपने आप को नहीं मरने दीजिए, अपने सपनों को नहीं मरने दीजिए, बहुत कुछ है लाइफ में अचीव करने के लिए, बहुत कुछ है। हम लोग एक छोटे से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसी में हम लोग सरेंडर कर चुके थे कि नहीं होगा मेरा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। हाँ प्रिया जी, आपके पास है नंबर, मुझे पता है, और अभी नंबर शेयर करने की जरूरत नहीं है, मैं टेलीग्राम में आपको जोड़ूंगा, व्हाट्सएप में जोड़ूंगा, और फिर हम लोग बात करेंगे। कोशिश ये करना है कि अगले 60 दिन किसी के मुंह से उफ आह नहीं निकलनी चाहिए। मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं कि कोई भी आपका दुख दर्द सुन के, किसी को मजा नहीं आता है दुख दर्द सुन के, सिर्फ वो आप दुख दर्द सुना रहे हैं, वो लोग बोलते हैं हाँ तुम्हारे साथ गलत हुआ है, आप पीछे मुड़ के जाएंगे लोग हंसते हैं, आप भी दूसरे पर हंसते हैं। तो वह उतना नहीं अपने जमीर को मारना है कि हम ये नहीं कर सकते हैं, वो नहीं कर सकते हैं। बस ये स्पिरिट रखिए कि हम कर सकते हैं, मैंने किया है ना, मैं बहुत टॉपर नहीं हूँ, मेरे 10th में 52% मार्क्स है, बहुत एक्सट्रीम कंडीशन था। जब तैयारी में उतरा तो बार बार क्या कहते हैं कि 99 बार अपने अंदर से ये जवाब आती थी, यार नहीं होगा राहुल,
बिना मतलब के उतर गए हो, बिना मतलब के सब और बदनामी होगी, बेइज्जती होगी, सब लोग मना कर रहे हैं, उसके बाद भी तुम उतर गए हो। सिर्फ एक बार अंदर से आवाज आती थी यार करके तो देखें क्या होता है, और वहां से अपने आप को सफलता तक लाने के लिए सिर्फ एक ही चीज है, मेहनत। आप पढ़िए, आपको अंदर से हौसला आएगा, आप पढ़िए, आपको अंदर से यकीन आएगा, आप पढ़िए, आपको अंदर से जोश आएगा, बस पढ़ना पड़ेगा। पढ़िए किताब, पढ़िए आप 6 घंटे 7 घंटे जिस दिन पढ़िएगा उस दिन आपको लगेगा कि यार मेरा कैसे नहीं होगा। कॉन्फिडेंस की कोई दवा नहीं है, कॉन्फिडेंस की कोई गोली नहीं है, कॉन्फिडेंस का कोई मेडिसिन नहीं है दुनिया में, बाजार में। कॉन्फिडेंस का सिर्फ एक ही मेडिसिन है, मेहनत कीजिए, हार्डवर्क। हार्डवर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। जितने भी लोग सफल हुए हैं सबके जिस्ट में यही है, हार्डवर्क। कोई सीक्रेट किताब नहीं है किसको कि पढ़ के आपके नंबर ज़्यादा आ जाएंगे, कोई सीक्रेट नोट्स नहीं है, कोई सीक्रेट तरीका नहीं है कि मैं सीक्रेट तरीका बता दूं कि रात को 2 से 3 के बीच में पढ़ो, सुबह 4 से 5 के समय पढ़ो, कोई नहीं, कुछ नहीं है। मैं सुबह 8 साढ़े 8 बजे उठता था, आज भी 8 बजे उठता हूँ। मैं लेट से हूँ, कभी पूरी ज़िंदगी में कभी 6 बजे नहीं उठा मैं, मजबूरी में कभी फ्लाइट व्लाइट ट्रेन वेंट पकड़ना होगा तो उठता हूँगा, ऐसे अपनी सुरक्षा से मैं 8 साढ़े 8 बजे उठता हूँ, ठीक है। और उसके बाद क्वांटिटी ऑफ स्टडी मैटर्स, कि कितना आप पढ़ रहे हैं, कब पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, उल्टा लटक के पढ़ रहे हैं, खाली पेट पढ़ रहे हैं, खा के पढ़ रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं होता है। द अमाउंट ऑफ स्टडी मैटर, जितना आप पढ़िएगा उतना आपका आप आगे बढ़ते जाइएगा। कैसे नंबर इंप्रूव करने हैं मार्क्स में, वो हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए बहुत ज़्यादा डोज नहीं देना चाहता हूँ कि सब लोग पहले दिन ही घबरा जाएं, ठीक है। बस मेहनत कीजिए, एक चीज़ सब लोग लास्ट कमिटमेंट दीजिए कि मेहनत इतना करेंगे कि जब रात में सोने जाएं तो अपने आप से जब पूछेंगे कि अपना नाम लेके, क्या राहुल मैं आज अपने आप से ईमानदार था, और अंदर से जवाब अगर आने लगे कि हाँ आज ईमानदार थे, आज जितना मेहनत किया हूँ उसमें और मतलब कोई भी गुंजाइश नहीं थी कि और करूँगा, जिस दिन से आवाज़ आने लगे अंदर से, आप समझ लीजिए आप सफलता के रास्ते में चले गए हैं। और आज से ही मेहनत करके आप रैंक 1 भी ला सकते हैं, लेकिन फाइनली कंडीशन ये है कि मेहनत करना पड़ेगा। और शुरू में मज़ा नहीं आएगा, जो लोग लेट से जुड़े हैं, शुरू में मज़ा कभी नहीं आता है। कोई भी काम आप स्टार्ट करते हैं सबसे टफ जो होता है वो स्टार्टिंग होता है। उस स्टार्टिंग में आप सबने कमिटमेंट किया कि 15 दिन तक मैं रोज अटेंडेंस लूँगा, कौन कौन आ रहा है, कौन कौन नहीं आ रहा है। और जो लोग नहीं आ रहे हैं 24 घंटे के अंदर वीडियो नहीं देखने, लाइव देखना कंपलसरी नहीं है, लाइव देखिए क्योंकि सबके अलग अलग लाइफ में कंस्ट्रेन है, लेकिन लाइव के नहीं होने तब भी आप 24 घंटे के अंदर वीडियो देखिए और उसके बाद कीजिए, ठीक है। ये हम लोग का 15 दिन का वो कमिटमेंट है, और शुरुआती 7 दिनों के लिए, आज सोमवार है, अगले सोमवार तक हम लोग इस स्ट्रैटेजी काम करेंगे। फिर अगले सोमवार को हम लोग नई स्ट्रैटेजी बनाएंगे कि डेली 500 क्वेश्चन करना है, क्या क्या करना है, हम लोग तब बात करेंगे, ठीक है। अब किसी को कोई सवाल है तो पूछिए, नहीं तो हम लोग आज का सेशन कंप्लीट करते हैं। शेड्यूल दिखाना था आपको, रुकिए मैं शेड्यूल एक बार दिखा देता हूँ। ये है हमारा शेड्यूल, ठीक है। ये आपका डे 1 है, 10 सितंबर, कल से क्लासेस स्टार्ट होंगे, आज बस ओरिएंटेशन क्लास था, ठीक है। ये उम्मीद कर रहा हूँ कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये आपका शुरू में मिडाइवल हिस्ट्री चलेगा और पॉलिटी चलेगा, ठीक है। ये क्लियर दिख रहा है ना स्क्रीन पे आपके, और उसके बाद एंशियंट आपका 18 से चलेगा, साथ में आपका पॉलिटी चलता रहेगा, फिर 25 तारीख से आपका मॉडर्न चलेगा और साथ में फिजिक्स स्टार्ट हो जाएगा आपका, फिर 23 तारीख से केमिस्ट्री स्टार्ट हो जाएगा, इधर मॉडर्न चलता रहेगा, और फिर बायोलॉजी स्टार्ट हो जाएगा आपका 29 तारीख से, उसके बाद से 15 अक्टूबर से आपका इंडियन ज्योग्राफी और बिहार स्पेशल शुरू हो जाएगा, उसके बाद वर्ल्ड ज्योग्राफी चलेगा, फिर इंडियन इकोनॉमी चलेगा, फिर करंट अफेयर्स चलेगा और फिर मैथ्स चलेगा, ठीक है। तो कुल मिला के हम लोग 8-11 तक करंट अफेयर और मैथ्स के साथ हम लोग का जो पूरा का पूरा सिलेबस है पीटी के लायक हम लोग कंप्लीट कर चुके होंगे, ठीक है। इसका पीडीएफ में अभी टेलीग्राम ग्रुप का आपके ऐप में एक सेक्शन होगा, क्या कहते हैं, नोटिस बोर्ड, वहाँ पे थोड़ी देर में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डाल दिया जाएगा, सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। ये जो टेंटेटिव प्रोग्राम है, कभी कभी किसी टीचर की तबीयत खराब हो जाती है या उनके घर में कुछ हो जाता है तो एक आध क्लास आगे पीछे होती है, लेकिन ये टेंटेटिव प्रोग्राम है, और 500 क्वेश्चन वाला सीरीज चलेगा, यहीं चलेगा, लेकिन 3-4 दिन पहले इससे स्टिक कीजिए, और उसके बाद श्रीकांत जी मैं आपको उसमें भी बताऊंगा 500 क्वेश्चन वाला सीरीज कैसे चलता है। अभी शुरुआत कीजिए, एक एक करके कदम बढ़ाते हैं, ठीक है।
कोई बुक, बुक में बता देता हूँ क्या क्या बुक पढ़ना आपको जरूरी है। सबसे पहले आपके पास हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम, मैं आपको वो भी ग्रुप में बनाया उसका पीडीएफ बना के डाल दूंगा, ऐसे मैं बता देता हूँ। हिस्ट्री के लिए आपको स्पेक्ट्रम होना चाहिए, पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत होना चाहिए, ज्योग्राफी के लिए महेश बर्नवाल होना चाहिए, साइंस के लिए आपको ल्यूसेंट जीके होना चाहिए, उसका साइंस वाला पोर्शन आपको पढ़ना है, ठीक है। करंट अफेयर के लिए एसआरएस क्लासेस की मैगजीन आ रही है, और नहीं प्रिया जी मैथ्स में आपको कहीं से डरने की जरूरत नहीं है, मैथ्स 10 क्वेश्चन आता है, 5-6 मैथ्स आते हैं, 3-4 रीजनिंग आता है, ठीक है। वो आपको बस आप ट्रस्ट कीजिए, टीचर्स बहुत मेहनती हैं, सारे टीचर्स बहुत मेहनत से पढ़ाएंगे, और उनके साथ आप मेहनत करने को तैयार रहिए। टीचर्स तो मेहनत करते ही हैं, लेकिन आप मेहनत करने को तैयार रहिएगा तो ज़रूर हो जाएगा। SBI का PDF सेंड कर देना सर, SBI का PDF मुझे नहीं समझ में आया क्या बोल रहे हैं आप। राहुल जी कोशिश कीजिए, शुरुआत कीजिए, इसीलिए मैं फर्स्ट डे बहुत कुछ नहीं बता रहा हूँ, हो जाएगा, असंभव नहीं है, मेहनत करना होगा, मेहनत कीजिएगा तो कुछ भी आदमी कर सकता है। वो फिर से एक लाइन कहता हूँ कि इतनी शिद्दत से तुम्हें पाने की कोशिश की है कि हर जर्रे ने तुमसे मिलाने की साजिश की है। किसी भी चीज़ को जब पूरे दिल से चाहते हैं ना तो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने में लग जाता है, ठीक है। आज का होमवर्क नहीं है, आज ओरिएंटेशन क्लास था, कल से क्लासेज आपके स्टार्ट होंगे, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आधे एक घंटे में कंटेंट ऐप के नोटिस बोर्ड सेक्शन में चला जाएगा, सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए, क्लासेज का टाइम और सब कुछ वहाँ चला जाएगा, और उसके बाद से हम लोग टेलीग्राम ग्रुप से इंटरेक्ट करेंगे। कोई दिक्कत हो तो आप टेलीग्राम ग्रुप में मैसेज कीजिएगा, और 3-4 दिन के बाद से मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर एक एक करके देना शुरू करूँगा, जो जो लोग एक्टिव रहेंगे। जो लोग इनएक्टिव टाइप के रहेंगे उनसे मैं ना अपना टाइम ख़राब करना चाहता हूँ ना उनका टाइम ख़राब करना चाहता हूँ, ठीक है। हर संडे को टेस्ट होगा अविनाश जी, हर संडे को टेस्ट होता है ऐप में, चलिए ठीक है। हाँ नीरज जी, जो देखिए ये जो टोटल सिलेबस है 60 दिन का नहीं है, ये आपको 3-4 महीने का सिलेबस है, समझ लीजिए 100 दिन प्लस का सिलेबस है, उसको 60 दिन में इसलिए बनाया गया है, और कोशिश किया गया कि लास्ट में आपको करंट अफेयर्स और मैथ्स ये सब रखा जाए कि आपका मोस्टली टॉपिक है वो शुरू में तैयार हो जाए, ठीक है। तो इसलिए इसमें जो इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, उन्हीं चीज़ों को कवर किया जाएगा, ठीक। चलिए तो हम लोग मिलते हैं कल से, सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, ओके, गुड नाइट, ऑल द बेस्ट, और जोश कम नहीं होना चाहिए, डन। चलिए अभी टेलीग्राम ग्रुप में आ जाइए पहले, और बाकी वहां पे हम लोग डिटेल्स डिस्कस करेंगे।